हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2020 यानी कि 17 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फीडबैक कॉल सेंटर्स ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, यानी कि जितनी भी पब्लिक की जो भी शिकायतें हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए एक फीडबैक कॉल सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए हैं। तो ये किसने लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं जितेंद्र सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जो कि जितेंद्र सिंह जी ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में फीडबैक कॉल सेंटर्स ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी, यानी कि किसने अभी हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है। इस फैसिलिटी के थ्रू जिनका भी EPFO में अकाउंट है वो अपने जो भी क्लेम फैसिलिटी है कहीं से भी बैठकर अपनी क्लेम जो है वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं, वो क्लेम रिसीव कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी देने वाला है EPFO यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ए डिवाइस डेट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ किलिंग 99% ऑफ सरफेस एंड एयर माइक्रोब्स, यानी कि फर्श पर और हवा में जितने भी कीटाणु होते हैं उन सभी को 99.9% तक मारने वाली एक डिवाइस है, उसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो उसे लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि होम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिवाइस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर वर्चुअल कैंप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस इन फिरोजपुर पंजाब इन द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ड्यू टू COVID-19, यानी कि COVID-19 की वजह से जो भी राज्य में सिचुएशंस हो रही हैं उसको देखते हुए फ्री में जो भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो और असिस्टेड डिवाइसेस जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उसके लिए एक वर्चुअल कैंप लगाया गया है फिरोजपुर जो कि पंजाब में है। तो उसको इनोग्रेट यानी कि उसका उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन किया है थावरचंद गहलोत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इंडियन गैस एक्सचेंज, यानी कि किस मंत्री ने अभी इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो भी सैलरीज अकाउंट है ये फैसिलिटी जो है किस बैंक ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन क्वालिटी NZ कलीनरी कप 2020, यानी कि किसने अभी हाल ही में क्वालिटी NZ कलीनरी कप 2020 जीता है? तो ये जीता है अंगद सिंह राणा ने, ये एक शेफ़ हैं, और यहाँ ये पहली बार जो था ये ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अंगद सिंह राणा ने, और इन्होंने ये कप जो है जीत लिया है। तो इसका आंसर है अंगद सिंह राणा, शेफ अंगद सिंह राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर्स हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर एक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करेगा? तो ये किया है IIT खड़गपुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2,
यानी कि आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, उसका निर्माण किया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर सैलरीड अकाउंट कस्टमर्स, यानी कि किस बैंक ने अभी इंस्टा फ्लेक्सी नाम की एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपने सैलरीड अकाउंट कस्टमर्स को दी है, यानी कि जिन भी कस्टमर का सैलरी अकाउंट उस बैंक में है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं है तो इस लिमिट तक बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है आईसीआई बैंक ने, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है वो अपने सैलरीड अकाउंट कस्टमर्स को प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू हाउसिंग एस्टेट बीइंग डेवलप्ड ऑन रोक बैंक सबर्ब इन विच सिटी दैट विल हैव स्ट्रीट्स नेम्ड आफ्टर इंडियन क्रिकेट ग्रेट्स इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, कपिल देव एंड विराट कोहली, यानी कि किस शहर में रोक बैंक सबर्ब नाम के जो जगह है वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और वहाँ की गलियों को सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली का नाम दिया जाएगा। तो ये ऐसा किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मेलबर्न में, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटेड हीरा सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज ए, यानी कि अभी हीरा सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक सिंगर थे, वो एक फोक सिंगर थे और अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है और ये उत्तराखंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली माधवराव पाटिल हैज़ पास्ड अवे ही वॉज ए, यानी कि अभी हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक पॉलिटिशियन थे, यानी कि वो लोकसभा के मेंबर रह चुके थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे और साथ ही जन लक्ष्मी बैंक जो है उसके वो फाउंडर भी थे। तो इसका आंसर बनता है बोथ पॉलिटिशियन एंड फाउंडर ऑफ जन लक्ष्मी बैंक। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इन दोनों ही ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा या फिर दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इज सेलिब्रेटेड, यानी कि फैमिली रेमिटेंसेस वो होते हैं जो भी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो फॉरेन में काम करने जाते हैं या कुछ एनआरआईज हैं जो फॉरेन में काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को वहाँ से पैसे भेजते हैं तो उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है, जब फॉरेन की करेंसी जो होती है वो इंडिया में आती है। तो ये इसका जो इंटरनेशनल डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जून को। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर ये थे आज के यानी कि 17 जून 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।